जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक हेल्दी। आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक, यानी ड्राई फ्रूट्स बर्फी या फिर चिक्की कह दीजिए, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए एक पैन ले लिया है, इसमें आधा कप घी डाल देंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी हल्का गर्म हो चुका है। दो बड़े चम्मच खाने वाला गोंद ले लिया है, इसको हमें आधा आधा करके दो बार में फ्राई करना है। तो आधा गोंद इसमें डाल देंगे। गोंद को हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो गोंद फ्राई हो चुका है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी का गोंद भी इसी प्रकार फ्राई कर लेंगे। अभी 50 ग्राम बादाम ले लिए हैं, इनको भी घी में डालकर हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। दो मिनट में बादाम भी हल्की गोल्डन होने लग गई हैं, अब इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ही काजू लिया है, अब इनको भी फ्राई कर लेंगे। काजू को भी एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो काजू फ्राई हो चुके हैं, अब इनको भी प्लेट में निकाल देंगे। अब एक कप मखाना यानी लोटस सीड है, इनको भी फ्राई कर लेते हैं। मखाना फ्राई हो चुके हैं तो इनको प्लेट में निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पर और ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इनके टेस्ट में भी फर्क पड़ता है और कलर पर भी। तो हल्का गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने एक कप यानी 50 ग्राम सूखा नारियल के ऊपर का छिलका हटाकर इसको बारीक बारीक ग्रेट कर लिया था, इसको भी हमें दो मिनट के लिए रोस्ट करना है। तो ये इस पैन में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि पैन और घी अभी भी गर्म है, और इसको इसी प्रकार से चलाते हुए दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इसी में ये 10-15 किशमिश ले लिए हैं, इनको भी डाल लेंगे ताकि ये भी हल्की रोस्ट हो जाए और थोड़ी फूल जाए। तो ये नारियल का बूरा भी लाइट गोल्डन होने लगा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है, तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप यहाँ पर इन सब ड्राई फ्रूट्स के अलावा और भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। अब सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं, अब हमें इनको हल्का क्रश करना है। तो मैं यहाँ पर इनको क्रश करने के लिए इस प्रकार का छोटा जो खलबट्टा आता है, तो इनको थोड़ा थोड़ा डालकर क्रश कर लेंगे। सारे साबुत फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को मैंने क्रश कर लिया है। फ्राई किए हुए गोला को हमें इसी प्रकार काम में लेना है। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी, जो वजन में 400 ग्राम है, इसको इसमें डाल देंगे। 2 कप चीनी लिए है तो 1 कप पानी डाल देंगे। यहाँ पर हमें चाशनी थोड़ी गाढ़ी बनानी है, तो अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। इस प्रकार से हिलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे एक तार की चाशनी बनानी है, तो इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए ये जो पलटा है, इसमें थोड़ी सी चाशनी लगाकर ऐसे ऊपर से बूंद बूंद गिराएंगे, तो जो लास्ट की बूंद गिरेगी उसमें हल्का सा तार बनेगा। या फिर आप अंगूठे और अंगुली के बीच में लेके भी तार बन रहा है या नहीं, ये चेक कर सकते हो। अब चाशनी परफेक्ट बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर ले लिया है, इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये क्रश किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स चाशनी में डाल देंगे। फ्राई किया हुआ नारियल का बूरा भी इसमें डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट को चाशनी में मिक्स कर देंगे और अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। और अब हमें इसको जमने वाली कंसिस्टेंसी तक आने तक लगातार चलाते हुए पकाना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, जब तक ये थोड़ी थिक ना हो जाए। तो सारी चीजें
थिक हो गई है यानी गाढ़ी हो गई है, तो अब हमें इसको इससे ज्यादा नहीं पकाना है। बाकी का ये जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे आएगी, तो जब हम इसकी चिक्की बनाएंगे उसी शेप में सेट हो जाएंगी, तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस ड्राई फ्रूट चिक्की को सेट करने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है, इसको घी से हल्का ग्रीस कर देंगे। तो ये सारा तैयार किया हुआ मिश्रण इस प्लेट में डाल देंगे और बराबर सेट कर देंगे। तो मैंने इसको चारों तरफ से एक जैसा करते हुए अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इस पे ऊपर से थोड़ी सी पिस्ता डाल देंगे ताकि हमारा मेवा पाक दिखने में सुंदर लगे। ये डालना यहाँ पे ऑप्शनल है। इसको वापस से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे ताकि इसमें सेट हो जाए। कट के निशान लगा देंगे क्योंकि एक बार ये सेट होने के बाद में काटने में हार्ड रहेगा, तो गर्म में ही कट के निशान लगा देंगे। तो मैंने कट के निशान लगा दिए हैं, अब इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। मेवा पाक अच्छे से सेट हो चुका है, अब इसको अलग निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए गैस चालू करके प्लेट को हल्का सा गैस के ऊपर घुमाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसानी से निकल रही है। इसी प्रकार से सारे पीस निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। तो लीजिए हमारा हेल्दी और बनाने में बहुत ही आसान मेवा पाक यानी ड्राई फ्रूट चिक्की तैयार है। तो इस जन्माष्टमी पर आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल कुक हेल्दी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी टैप कर दें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।